दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला रांची के स्टेडियम में खेला गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गदर मचाते हुए भारतीय टीम को दिलाई जीत। जी हां, आपको बता दें कि मुकाबला अंत में जाकर फंस गया और इतना ज्यादा रोमांचक हो गया जो इतिहास के पन्नों में रोमांचक मुकाबले के लिए स्वर्ण अक्षरों के रूप में दर्ज हो जाएगा। तो वहीं इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड्स भी बने, बताएंगे सभी रिकॉर्ड्स के साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच करो या मरो वाला भारतीय टीम के लिए मुकाबला रांची के स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन के पक्ष में सिक्का तो नहीं गिरा, लेकिन फिर भी कप्तान शिखर धवन खुश थे क्योंकि विरोधी टीम के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी चाहिए थी। ये फैसला उनका काफी गलत साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को बदलाव ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई के रूप में दो बदलाव करने पड़े और आपको बता दें कि इनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद के साथ मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को 278 रन 7 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। दरअसल पहली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने चौके के साथ शानदार शुरुआत करी, लेकिन इस पारी को वो ज्यादा देर तक आगे नहीं ले जा पाए। तीसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर चारों खाने चित हो गए और मात्र 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैंड्रिक्स आए तो दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे जाने मन मलान पावर प्ले के अंतिम ओवर में डेब्यू कर रहे शहबाज अहमद की गेंद पर LBW आउट हो गए। 25 रन के स्कोर हो चुका था और इसी के साथ ही शहबाज अहमद को पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट मिल गया, जिसके साथ ही पावर प्ले में 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर विरोधी टीम ने बना लिए। अब आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 बार इस साल 2 से ज्यादा विकेट पावर प्ले में चटकाए हैं, परंतु अब बल्लेबाजी करने मार्करम आए और उन्होंने हैंड्रिक्स के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 119 रनों की साझेदारी करके गेंदबाजों को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक 26वें ओवर में पूरा कर लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और आपको बता दें कि जिसमें से 32वें ओवर में हैंड्रिक्स 76 गेंदों पर और 74 रन की पारी खेलने के बाद मोहम्मद सिराज की गेंद पर शहबाज अहमद के द्वारा कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने क्लासन आए, लेकिन 38 और 39वें ओवर में लगातार 2 विकेट लेने के साथ ही भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में बढ़त हासिल करी। जी हां दोस्तों, 38वें ओवर में हैंड्रिक्स क्लासन 30 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव की गेंद पर मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए, तो वहीं मार्करम को अगले ओवर में 89 गेंदों पर 79 रन बनाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट कर दिया। तो आपको बता दें कि इसी के बाद लगातार विकेट पर विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरते रहे, जिसमें पारनेल 16 और महाराज 5 रन बनाकर आउट हुए और मिलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम को संभाल कर 35 रनों की नाबाद पारी खेली और 278 रन स्कोर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 3 और बाकी के सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट लिया, लेकिन 279 रन के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल उतरे तो दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा परेशान रहे। दरअसल शिखर धवन को 6वें ओवर में एक बार फिर से वेन पारनेल ने 20 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए तो दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अपनी गलती के कारण रबाडा के द्वारा कॉट एंड बोल्ड 26 गेंदों पर 28 रन बनाने के बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में हो गए। तो वहीं पारी को संभालने के लिए अब श्रेयस अय्यर आए, जहां पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभालते हुए 161 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करी। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने पारी को कुछ इस कदर संभाला जिसको देखकर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक तारीफ करने लगे। दरअसल एक तरफ से श्रेयस अय्यर अपने नेचुरल गेम के विपरीत
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से ईशान किशन भी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 26वें ओवर में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी अपना अर्धशतक महज 48 गेंदों में पूरा किया। लेकिन अब दोनों बल्लेबाजों ने एक्सेलरेटर पर पैर रखते हुए काउंटर अटैक करना प्रारंभ कर दिया, जहां पर दोनों बल्लेबाज कुछ अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज जीत के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच 32वें ओवर में ईशान किशन ने लगातार 3 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के लगाकर गेंदबाजों की दुनिया हिला दी और वहीं पर 35वें ओवर में ईशान किशन नर्वस 90 का शिकार हो गए। जी हां दोस्तों, 35वें ओवर में एक छक्के के बाद लगातार दूसरा छक्का लगाने गए ईशान किशन ने अपना कैच फोल्टन की गेंद पर हैंड्रिक्स के हाथों 84 गेंदों पर 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 93 रन की पारी खेलने के बाद अपना कैच थमा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए। लेकिन इसी बीच जो गलती ईशान किशन ने करी उसको श्रेयस अय्यर ने नहीं दोहराया और आगे धीमी बल्लेबाजी करते हुए 43वें ओवर में अपना दूसरा शतक पूरा किया। तो वहीं 46वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने चौका लगाकर भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम 45.5 ओवर में 7 विकेट से जीत गई। इस बीच संजू सैमसन ने 30 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन की नाबाद पारी खेली तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 111 गेंदों पर 15 चौके की मदद से 113 रन की नाबाद पारी खेली और इस मुकाबले को जीतकर 1-1 से सीरीज को बराबरी पर पहुंचा दिया। तो वहीं इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर बने, जिन्होंने 113 रन की नाबाद पारी खेली, 102 के स्ट्राइक रेट से खेलकर भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।